हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज़ पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो अब देखो, यहाँ पे जो टाइम स्लॉट्स हैं इनमें कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसमें से जो 5 बजे वाला क्विज था इसकी जगह पे आपको स्टेट वाइज कुछ स्कीम्स मिलने जा रही हैं फ्रॉम मंडे। एक स्टेट एक स्कीम, ठीक है। वैसा वाला हो जाएगा कि अगर एक स्टेट में एक स्कीम, दो स्कीम, जितनी भी स्कीम्स आई होंगी जनवरी से लेके मई तक, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट का क्लास होगा सुबह 5 बजे, और इस क्लास के जस्ट बाद फ्रॉम मंडे, ठीक है, क्योंकि मैपिंग तो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। मैं इसके साथ आप लोगों का जो रिवीजन का क्लास है वो भी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास में ले लूँगी, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक। 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का क्लास रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं। और 11 बजे आप लोगों का जो SSC का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ ये जो 5 बजे का क्विज था, इसमें हम लोग स्कीम्स को ऐड ऑन कर रहे हैं और कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा है। तो यूट्यूब पर यह रहेगा शेड्यूल। इसके अलावा आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो के जस्ट नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे लिखा होगा यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, उसके आगे एक लिंक दिया है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मेरी प्रोफाइल पे पहुँच जाओगे। अन अकेडमी की प्रोफाइल पे पहुँचने के बाद मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्लासेस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन आज देखो न्यूजीलैंड का जो मैप है, या आपका लास्ट वाला मैपिंग का सेक्शन है जो रह गया था, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, न्यूजीलैंड जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। रीज़न क्या है? कुछ टाइम पहले बोला गया था कोविड फ्री हो गया, फिर यहाँ पे 2 केसेस मिले, फिर अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, ओपन बजट सर्वे हुआ, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहा। करप्शन इंडेक्स में डेनमार्क के साथ न्यूजीलैंड नंबर 1 पे रहा। तो ये काफ़ी सारे इंडेक्स में, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्मान सी नजर आ रहा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आपको तस्मान सी मिलता है, और इधर की तरफ अगर हम देखें तो ये पैसिफिक ओशन की लोकेशन है। इन दोनों के बीच में आपको न्यूजीलैंड की लोकेशन देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, ये वाला जो एरिया है ये हो गया आपका नॉर्थ न्यूजीलैंड, और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, साउथ न्यूजीलैंड। इन दोनों के बीच में जो आपको स्ट्रेट नजर आ रही है, इसका नाम क्या है, दिस इज कुक स्ट्रेट। जैसे होता है ना, पूछा जाता है अंडमान निकोबार के बीच में आपको कौन सा डिग्री का चैनल मिलता है, तो 10 डिग्री चैनल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके फीचर्स क्या है। सदर्न एल्प, ये जो सदर्न एल्प है इसकी लोकेशन कहाँ पर है, साउथ आइलैंड के अंदर ये लोकेटेड है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, माउंट कुक है। अगला देखो, यहाँ पे कैंटनबेरी प्लेन्स है, यहाँ पे आपको एक मैदानी क्षेत्र भी देखने को मिलता है, जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है किसके लिए, यहाँ पर फार्मिंग के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। न्यूजीलैंड का जो एरिया है सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो कौन सा हो जाएगा, कैंटनबेरी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कैंटनबेरी प्लेन्स जो है वो कौन सी कंट्री में है, तो आंसर न्यूजीलैंड होगा। अगला देखो, माउंट एगमोंट, माउंट एगमोंट जो है ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ सेंट्रल वॉल्केनिक प्लेट्यू, नॉर्थ आइलैंड। ये जो आपका नॉर्थ आइलैंड का एरिया है न्यूजीलैंड का, उसी में आपको ये वॉल्केनिक प्लेट्यू देखने को मिलता है। देखो कई बार एग्जाम में क्या होता है, पूछ लेते हैं माउंट एगमोंट, अब बता दो ये आपका एक्टिव वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है, या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर, जिस तरीके से आपको एक व्हाइट आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि ये न्यूजीलैंड का एक एक्टिव वॉल्केनो है, अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे काफ़ी सारे फ्यूम्स वगैरह देखने को मिले थे, तो व्हाइट आइलैंड भी पूछा जाएगा, तो ये भी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के अंदर ही लोकेटेड है। अगला देखो, यहाँ पर लेक टाउपू, देखो न्यूजीलैंड में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमें डिस्कस करना हो, लेकिन हाँ जितना भी है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेक टाउपू ये क्या है, लार्जेस्ट लेक है कहाँ की, न्यूजीलैंड की। जरा एक बार से मैप में वापस आना, यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे आपको नजर आ रहा है ऑकलैंड, ठीक है ना, ऑकलैंड। यहाँ पे क्या है, हैमिल्टन, ठीक। ये दो ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, वो भी मैं बताऊँ या तुम लोग बताओगे, या सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल हो जाएगी विलिंगटन। क्या है कैपिटल, विलिंगटन। अब अगर पूछा जाए कि जो विलिंगटन है वो नॉर्थ न्यूजीलैंड में है या फिर साउथ न्यूजीलैंड में, तो आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, नॉर्थ न्यूजीलैंड, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, नॉर्थ में है, ठीक। अगला देखो, ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि माउंट कुक इस जगह पर लोकेटेड है, और माउंट कुक नेशनल पार्क भी यहीं पर लोकेटेड है। जैसे कि होता है ना येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये USA के अंदर लोकेटेड है, उसी तरीके से ध्यान रखिएगा माउंट कुक नेशनल पार्क भी न्यूजीलैंड के अंदर लोकेटेड है। इसके ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो आपको छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जितने भी बाकी छोटे आइलैंड्स हैं, इनको मिला के हम ओशियानिया का नाम देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, विलिंगटन। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो सदर्न टिप ऑफ दी नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड के बिल्कुल सदर्न टिप पे, अभी मैंने आपको मैप में दिखाया, और ये क्या है, यहाँ की कैपिटल है।
इंपॉर्टेंट सी पोर्ट क्या हो जाएगा? कुक स्ट्रेट, मैंने अभी ये भी आपको मैप में दिखा दिया। अगला, कैटल रेयरिंग के लिए इस एरिया को जाना जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा कैटल रेयरिंग होती है। अगला है ऑकलैंड। ऑकलैंड क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, इस पूरे एरिया का सबसे बड़ा शहर है। वही चीज हो गई कि इसकी भी लोकेशन कौन से आइलैंड पे रहेगी, तो नॉर्थ न्यूजीलैंड के आइलैंड पे इसकी लोकेशन रहेगी। अगला देखो, क्राइस्ट चर्च, ये जो जगह है ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, किसका? न्यूजीलैंड का। और ये कहाँ पर है? साउथ आइलैंड के ऊपर इसकी लोकेशन है। तो न्यूजीलैंड से जितने पॉइंट बन सकते थे मैंने सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। काम क्या करना है, सिर्फ एक बार से इसको मैप में लोकेट कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। अब देखो, इसके बाद ये जो आपको क्लास मिलने जा रहा है, ये क्लास आपका सैटरडे को यूट्यूब पे रहेगा सुबह 10:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। सैटरडे को जो सुबह 9:30 बजे क्लास होता था वाईफाई मेन चैनल पे, वो क्लास नहीं होगा। उसकी जगह आपका ये स्पेशल क्लास रहेगा, 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का ये क्लास होगा। ज्वाइन करना मत भूलना। सारे आर्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में जितने सवाल बन सकते हैं सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक ही दिन में, एक ही क्लास के अंदर, ठीक है? तो क्लास में लाइव आना मत भूलना। टाइम क्या रहेगा इसका? 10:30 बजे इसका टाइम रहेगा सुबह। चैनल कौन सा होगा? वाईफाई स्टडी स्टूडियो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ये बैच ज्वाइन नहीं किया है, अनअकैडमी पे जाओ, SSC एग्जाम कैटेगरी में जाइएगा, वहां पे आपको ये बैच मिलेगा। पूरे साल भर का करंट अफेयर्स हम वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो। और इसके साथ में आपको GS भी पूरा मिल जाएगा, और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्लासेस तो आप देख ही पाओगे। कोड क्या यूज़ करोगे? कोड विल बी Kriti10। ध्यान रखिएगा कि इनके जो अमाउंट है वो हर महीने चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप अगर अभी इसको अवेल कर लोगे तो साल भर की छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे SSC हो, रेलवे हो, DRDO, NDA, CDS है, फॉर एनी एग्जाम आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों से मुलाकात होती है सुबह 7 बजे लाइव सेशन में, जो आपका एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।